हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई, इसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं कुछ काम से बाहर गया था, जैसे शादी का काम से, घर का पेंटिंग वेंटिंग से रिलेटेड काम के लिए मैं बाहर गया था। तो मैं अभी आ चुका हूँ और थोड़ा सा वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए हैं, तो इसलिए मन भी नहीं कर। लेकिन आप सभी व्यूवर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन ऐसे है, ऑलरेडी गैपिंग चल गया था, कुछ दिन मैं बाहर गया था। इसलिए तो मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से दो प्रोडक्ट मंगाए हैं, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू कर दो। तो ये जो देख रहे हैं, मैंने एक माइक मंगाया है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मैंने इस माइक के बारे में इमेज और इसका डिस्क्रिप्शन भी दे दिया हूँ, आप फोटो में देख सकते हैं। तो ये हमको पड़ा है 125 रुपये में पड़ा है, जो कि बहुत ही सस्ता प्राइस है। माइक जो अगर माइक्रो माइक लीजिएगा तो 700, 800 या 500 ऐसे करके कुछ प्राइस है। तो अगर आपको इसको मंगाना है और आप इसका इसी से भी साउंड रिकॉर्ड हो रही है, आप सुन सकते हैं कि वीडियो का साउंड जो आ रहा है वो कैसा है क्वालिटी। तो अगर इसको आपको मंगाना है तो इस प्रोडक्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने दो प्रोडक्ट मंगाए, एक मैंने पेंटिंग ब्रश मंगाए, देख सकते हैं पीछे मेरे एक पेंटिंग बनी हुई है। मैं ये पेंटिंग अयोध्या मंदिर के लिए बना रहा हूँ। ये पेंटिंग एक दिन लगा इतना बनाने में, पता नहीं कब पेंटिंग पूरा था। तो पेंटिंग करने के लिए मेरे पास ब्रश नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत ब्रश है जो कि इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने ऑनलाइन परचेस किया है 297 रुपये में पेंटिंग ब्रश, जिसमें इसका एक पेंटिंग का रखने के लिए ये किट भी दिया है, इसमें पेंटिंग का ब्रश है। तो मैं इसे ओपन करके बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे ब्रश है। इसमें 24 पीस है ब्रश के, और इसका एक रखने के लिए, कैरी करने के लिए बैग भी इसमें साथ में अटैच है। तो मैं ये सभी तरह के ब्रश है A to Z, और इसमें 24 पीस ब्रश है। तो मैं इसको भी अभी दिखाऊंगा। और ये तो मैक तो आप देख ही चुके हैं, और मैक की तार की लंबाई है 90 सेंटीमीटर होगी, और इसी से मैं रिकॉर्ड करूंगा अपने वॉइस को, क्योंकि ऐसे माइक से रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा आवाज वॉइस ज्यादा आता था, बाहरी साउंड एक्सटर्नल साउंड ज्यादा आता था। तो चलिए मैं ब्रश का दिखाता हूँ कि ये ब्रश कैसा है, और मैं एक पेंटिंग बनाता हूँ। पेंटिंग चैनल है मेरा ये। लेकिन मैंने जब मंगाया ये प्रोडक्ट, तो मैं सोचा कि इसका रिव्यू कर दूं, और मैंने भी जो कलर ऑनलाइन मंगाया था उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूँ। अगर आप पेंटिंग में इंटरेस्ट है और आपको कलर परचेस या चुनने में दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट में करिएगा। जो मैं कलर यूज करता हूँ उसके बारे में बताऊँगा, और वो क्यों बेस्ट है और एक्चुअली सस्ता भी है। तो चलिए मैं पेंटिंग के ब्रश के बारे में बताता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि ये ब्रश कैसे यूज होता है। और आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा ब्रश से रिलेटेड कि पेंटिंग करने के लिए आपको कौन सा ब्रश यूज करना चाहिए। और आप ये माइक देख चुके हैं। अगर और भी मैं बहुत सारे चीज़ ऑनलाइन परचेस करता हूँ, तो जितने भी आएंगे तो उसका भी मैं रिव्यू दे दिया करूँगा। और एक्चुअली ये मेरी पेंटिंग से रिलेटेड चैनल है, तो इसमें जो मेरा अधिकतर वीडियो पेंटिंग से ही रिलेटेड आएगा। और आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो हमको फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे चैनल का सदस्य बन सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो चलिए मैं पेंटिंग का ब्रश को दिखाना शुरू करता हूँ। आप पेंटिंग ब्रश का ये फोटो देख सकते हैं, और मैंने प्रोडक्ट इस पेंटिंग ब्रश का डिस्क्रिप्शन और रेटिंग भी दे दिया, आप देख सकते हैं। और एक्चुअली इसको मैं कैमरा से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितनी अच्छी है। तो दोस्तों, जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया था मैंने उसके बारे में बताया, और ये एक्चुअली मेरा जो चैनल है वो आर्ट चैनल है। अगर आर्ट आपको पसंद है, पेंटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। अभी एक्चुअली शायद कुछ दिन वीडियो आने में कमी होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने फर्स्ट में बताया है कि मेरा दादाजी एक्सपायर कर गए हैं, तो उसमें काम धाम में शायद वीडियो बनाने में हमको प्रॉब्लम हो। तो आप
लोग थोड़ा सा को कष्ट हो सकता है, तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट दिन।